चलो तो भाई है, मैं आपको आज ऐसी चाय पिलाता हूँ, कड़क चाय बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम कम मीठा, हल्के हल्की सी आंच पकी रही हो, मजा ही आ रहा है। मेरी बात तो सुन लो भैया, चाय से मेरे को 2014 से नफरत है, मेरे तो ग्लो खराब हो गया चाय से, ऊपर हिंदी खराब हो रखी है। आज तो मैं रंग गोरा करने वाली चाय, चलो रंग गोरा करने वाली चाय। हम सभी चाय बहुत पीते हैं सुबह सुबह, पर मैं चाय के बारे में कुछ नहीं जानती, तो बता दीजिए आप मुझे चाय के बारे में। देखिए चाय अगर अपने देश में देखें तो इसके बारे में एक छोटी सी कविता लोग कहते हैं कि राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी, इंदिरा राज में चाय मिली और फूल के। देश में यदि देखें तो घर परिवारों में शादी विवाह की बात से लेकर के और ऑफिसों में फाइल जब सरकती है तो भी चाय से ही सरकती है हम मोहन बाबू की, और इस देश में तो सरकारें भी चाय की चर्चा पे बन गई। लेकिन हमारे देश में जिस चाय पर चर्चा से सरकारें बनती हैं, उस चाय की आखिर हमारे देश में कितनी इंपॉर्टेंस है, तो चलिए पहले तो यही जान लेते हैं कि आपकी और हमारी जिंदगी में एक चाय की चुस्की कितनी पैठ बना चुकी है। हाय शेर, अरे मैच बाहर में जाए पहले चाय पीऊंगा, चाय जरूरी है, ऐसे भी लेट हो गया। गौरी चाय लाना यार। शिव तुम्हें एक पैकेज दिया हुआ है, वो हो गया क्या? जल्दी कर दो यार, अर्जेंट है, बुलेटिन के लिए चाहिए। यार आरती मेरे पास एक पैकेज है यार, अभी बहुत बड़ा सर दर्द है, ये करता हूँ तो फिर करूँगा आगे। सर में दर्द हो रहा है, तुमने किया था, चलो यार ठीक आते हैं। तो भाई चाय है तो कमाल की ही चीज़, और चाय के शौकीनों को तो जैसे मौका मिल जाए चाय पीने का, चाहे वो कड़क चाय हो या फिर दूध वाली चाय। और अब जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आखिर एक विदेशी पेय ने धीरे धीरे हमारे देश के दिल में कब दस्तक दी, तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल साल 1815 में कुछ अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर चला गया, जिसे स्थानीय कबायली लोग एक पेय बनाकर पीते थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने उस वक्त 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू करने और उसका उत्पादन करने की संभावना तलाश करने के लिए एक समिति भी बनाई। इसके बाद सन 1835 में असम में चाय के बाग लगाए गए। तो भाई चाय के बारे में इतना बोलने के बाद एक चाय तो बनती ही है, तो चलिए मैं भी चलती हूँ चाय पीने, और आप भी लीजिए चाय की चुस्की का मजा। चाय को लेकर अपने अपने व्यूज भी दीजिए कि आप चाय को कितना पसंद करते हैं और चाय आपके लिए कितनी जरूरी है। तो हैव अ कप ऑफ टी और रखिए अपनी लाइफ को हमेशा टेंशन फ्री।